हरि अरे के कारे हाथ कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी भलक करे हाथ यबीना भलक करे हाथ यबीना यव जम होली खेलै रघुबीरा होली खेलै लगा दूं आग पानी में, लगा दूं आग पानी में, शरारत करूं ऐसी, मिटा दूंगा कुशल सिंह की हस्ती को, बगावत करूं ऐसी। भाई देखा मंत्री जी, होली के त्योहार आए, आखिर आप होली के त्योहार मनाया, मिलाई करया, हम हो दोनों भाई आप सब बहुत खुशी, हम हो दोनों भाई बहुत खुशी। अरे प्यारे ललुआ, हाँ महाराज से होली मिलना वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब क्या हुआ, इसलिए मैं इस रियासत की बागडोर संभालना चाहता हूँ। मंत्री मातम सिंह नहीं, हाँ बल्कि महाराज मातम सिंह बनना चाहता हूँ। महाराज के शाही खजाने को, महाराज कुशल सिंह के शाही खजाने को, हाँ हाँ जब भी मैं अपनी इन आंखों से देखता हूँ, हाँ तो मेरी आंखें चकाचौंध हो जाती है, खुली की खुली रह जाती है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जब आप कभी सम्राट का शाही खजाना देखते हैं, तब आपका एक का एक विचार बदल जाता है, मंत्री नहीं बल्कि मैं यहाँ का सम्राट, सम्राट मातम सिंह बनना चाहता हूँ। लेकिन मंत्री जी, रियासत की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। लेकिन मंत्री जी, जरा आप सोचिए कि आपने विचार में अपने सोच लिया है, दिमाग में ठान लिया है, लेकिन ये सब भला कैसे होगा, कैसे होगा महाराज, कैसे बनेंगे? कुशल सिंह महारानी बिजमा, हाँ और वो पैदा हो गया दुधमुहा बच्चा चांद का, इन सबको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन कैसे, यही तो हम बड़े हैरत में हैं। प्यारे ललुआ, कि आप मेरा एक जिगरी यार है, मेरा एक जिगरी यार है, रंगबाजों में रंगबाज, अरे बाप, रंगबाजों में रंगबाज है, गुंडों में गुंडा है, बदमाशों में बदमाश, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं, उससे नजरे उठाकर नहीं नजरे झुकाकर बात करती है। लेकिन मंत्री, आखिर आप तो कौन सा यार है, कौन सा आपका दोस्त है कि जो लोग
उनका नाम सुनकर दहशत हो जाते हैं, नजर से नजर नहीं मिलाते हैं। नाम जानना चाहता है? हाँ, आज तो तू उनका नाम सुन, लेकिन वो तने पर काम भी देखेगा। मेरा जिगरी यार का नाम डाकू जंजीरा से। आज ही मैं अपने दोस्त जंजीरा सिंह के पास जाऊंगा और अपने दिल की तमन्ना अपने यार से कहूंगा। अगर मेरा यार मान गया और ये काम हो गया, तो यार समझो कि मंत्री मातम सिंह मंत्री नहीं, इस रियासत का महाराज, इस रियासत का सम्राट महाराज मातम सिंह कहलाएगा। काश्यकरप का प्यार आपका कहना मान लिया तो आप यहां के सम्राट कहलाने। अवश्य। लेकिन मंत्री जी, आप यहां के सम्राट हो जाएंगे तो, और आप मुझे भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो, हमारे कहने के मुताबिक आप काम करो, तो ठीक है मंत्री जी, हम आपके कहने के मुताबिक हर काम आपका बराबर करता रहूंगा और आपका बराबर साथ देता रहूंगा। लेकिन जब आप यहाँ के महाराज हो जाएंगे तो भला मैं यहाँ का क्या रहूंगा? ओ प्यारे लाल, हाँ हाँ मंत्री, बड़ी दूर की सोचता है। हाँ हाँ क्यों नहीं प्यारे लाल, अगर मैं इस सिंहासन पर बैठा हाँ और इस रियासत की बागडोर मेरे हाथ में आई तो मैं मंत्री से महाराज बन जाऊंगा। हाँ क्या बनूंगा? मंत्री से आप महाराज बन जाएंगे तो मैं तुम्हें इस रियासत का मंत्री बना दूंगा। तो क्यों ना मंत्री जी, आज ही हम आपके यार के पास चलते। लगता है कुछ भूल गया है। आ मेरे साथ, हम इसी वक्त हाँ अपने दोस्त जंजीरा के पास चलेंगे। क्यों नहीं? हत्यारे लड़वा, क्या है कावर? अरे लगे तू वही ड्यूटी पर बैठा है। हत्यारे लाल, मेरा साथ हत्यारे लाल, देखिए हत्यारे लाल, अब हमारा विचार बदल गया है और मंत्री जी का भी विचार बन गया है। हाँ, क्या क्या नहीं जानते का ना, अब ही गया है मैं का महाराज बनना चाहता। हाँ महाराज बनेंगे मंत्री जी, यहाँ के महाराज बनेंगे। और आप, आप हम अगर ये मंत्री जी महाराज बन जाए तो तुहका एक चीज बना दी रियासत में। कहो, अगर ये महाराज बन जाए तो तुहिया के बन जाए बबूल ले, वह जो मुस्लिम मास्टर है उनका बना दिया पिटिहरी। राजा महाराजा के पास ये सब चीज जरूरी हो। हाँ भाई, तू टिटिहरी के चरवा हो जाया। ठीक है, यह बने कि माल्य रियासत में जब कबो असगुन हो रही तो टिटिहरी गांव से बीचों बीच रियासत से बीचों बीच उड़ के क्रॉस कर दिए, तो समझा कि रियासत में कोनो घटना हो तो आप सतर्क हो जाओ जाए। और भाई एक और यह गदहा जरूरी है। भाई राजा किया गधा जरूरी हो, सोचे कहीं यार गधावा हम ही बन जाए सारा। गधा तू बन गया भाई, देखा गधा रहे तो फायदा ही है।
चाहे हाथ में घड़ी हो कि ना हो, मोबाइल हो कि ना हो, साला गधा हर घंटा हर समय जहाँ देखा गधा रहा नहीं कि रियासत मसाले हर घंटा पकड़ ले सब जरूरी है। मंत्री जी बाप यहाँ पुरस्कार धन्यवाद। आवाज से मुस्लिम भाई टूटी टिहरी है ऊपर एक गोड़ करके सोया आसमान रोक रहा है, इसीलिए कहा गया है बबुल्ले जब टिहरी तीस बोली सुने बबुल्ले तू जब टिहरी तीस बोली सुने बबुल्ले जब कटावा नन्न नन्न तो मुझे खेल वाला राजा समझता है यहाँ, मैं यहाँ का सम्राट बनकर दिखाऊंगा साले, और तू सही मुझे यहाँ ड्यूटी ड्यूटी भाई ड्यूटी और ड्यूटी पर कटस रहोगे और कानो कान किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री माथम सिंह और सिपाही प्यारे लाल कहाँ गए, किससे मिलने गए, किस काम से गए, वरना अंजाम अच्छी तरह चाहिए। अब वैसे एक बात ही है जैसे लाला का बकरी अपनी देखे नहीं है ये कहान में बटूर करे इशार है यार बहुत चप रहा यार बहुत मान मारिस पीएल के बहाई दी मार के बहाल जी साला वैसे एक बात ही है मारिस बकरा को यार तो का मारत रहन तो का गजब के बात रही से हमका मारत रहन तो का गजब के बात रही अरे तो का मारत रहन तो हमका मारत रहन तो काहे पूछता है हाँ कसम भगवान तो कम मारत रहन है हाँ हमका इतना नीक लागत रहन हाँ इतना नीक लागत रहन है ऐसा लागत रहन कि हम शोरूम से निकला चला आवत नहीं भले हाँ। बताओ भैया हरे हमका मारत रहन तिनका इतना नीक लागत रहन जाने ये शोरूम से चलावत रहन लेकिन जानता प्यारे लाल है यार तू कम मारत रहन तो हमका बहुत दुख होत रहन ऐ भाई मजे का मयाद है कि हमका हाँ भाई तू कम मारत रहन तो हमका दुख ये बड़े होत रहन काहे बड़े कि यार तू कम मारत रहन जाना कोरावत गाय मारत रहन अब इंशाल्लाह हमारे शरीर के हिसाब से बात करता एक बात करता है कि हमारे पेट वोट निकल आया है नहीं भरे साला कहता है हमका कोरा बत गाय अबे खवाई पियाई शरीर या बिटवा का कर दे भाई हाँ यार शाही मरे मूड़ के मारे हम संतन से का परी जे कई पाप हो कई पाप आइए हम आप चलते हैं लेकिन चलते चलते भाई साहब कहना क्या है कहा बताई भाई ऐसी समय ला गई है यही समय के देख के भैया बहुत भयदार रहे कसम भगवान कितना जने के देखी थे आगे पीछे कुछ सोचते बिचरते नहीं ऐसे बियाह थान दे थी बेटवा नान के रहा था तो बड़ी हट्टी कर जैसे घर मालिक थाने अरे मोर भैया कहते हैं अरे अब किस समय या यह
अतोहिया पारी कसम भगवान ये दूजने मिल जाए तो जानो दुनिया बराबर हो जाए समझी अब समझी से हो जावा मिलनवा आई नमक की और बोतल समनवा केहू देखत नहीं अगर अद्धा धब लगाए हैं समझी समझी ना तो कसम भगवान नहीं देखते कि पटोहू हाई फाई है कि बटवा हाई समझी अब समझी से जियो होई गवा मिलनवा आई नमक की और बोतल समनवा अरे नशवई में चूर रही कुछ ना पिचारी बेटवा छोड़ पटोहिया जीव, तुम चौचे ढंग से जानते हो ये नहीं दादा ये इसी राजा ये इसी राजौनपुर है क्यों नहीं दादाजी और पिछड़ ये जंगल का राजा कौन है ये आप लोगों को नहीं मालूम है इस जंगल का राजा हमारे सरदार जिन्हें लोग डाकू जंजीरा सिंह के नाम से डाकू जंजीरा सिंह जोर से चलता है जिधर से चलता है अगर बच्चा रोता रहता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जाओ नहीं तो जंजीरा सिंह आ जाएगा साथियों हम अपने सरदार जंजीरा सिंह का इसी चट्टानों पर बैठकर इंतजार करेंगे और उसके बाद उनके इशारे पर हर एक काम हम करेंगे क्यों नहीं दादाजी सरदार जी जय माधवानी कहल अर्जेंट ऐसी कोई नई खबर तो नहीं जो हमारे कानों तक न गूंजी हो नहीं नई खबर तो कोई नहीं है सरदार जी अभी तक लेकिन नई खबर ये है कि दुनिया रंग की होली खेल रही है और ये रंग की होली में हमें और आपको भी शामिल हो जाना चाहिए दुनिया भले रंग की होली खेले लेकिन ये जंजीरा सिंह जब से वो संभाला है तब से मैं हो खून रंग की होली नहीं मैं खून की होली खेला करता हूं भाई वही दिन है जब हमने खून की होली खेलना शुरू किया बैठो हमें कोई ना कोई आज शाम तक ऐसी न्यूज लेकर आएगा जहां की हम इन बस्तियों में खून की होली खेलने चलेंगे आओ मेरे साथ जय माधवानी कहो माधव सिंह
आज सुबह हमारी याद कैसे आ गई? कहो क्या बात है माता, तुझे बिहारों में कैसे आना हुआ? आखिर बात क्या है? यार, एक यार यार को भूल जाए लेकिन दूसरा यार कैसे भूल सकता है? मेरे यार तो इस चंबल का, तो इस चंबल का राजा है। अपनी इच्छा के मुताबिक जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन कभी इस मातम सिंह के लिए सोचा आपने कि मातम सिंह महाराज कुशल सिंह के यहां सिर्फ कुत्ते की तरह भागता है? मैं कुत्ता बनकर रह गया हूं, मेरे यार कुत्ता बनकर रह गया हूं। तो कहना क्या चाहता है? पहले आना बुझा, साफ सोते में बता मेरे यार आखिर बात क्या है? मैं महाराज कुशल सिंह के यहां ड्यूटी करते करते तंग आ चुका हूं और सियासत का सम्राट बनना चाहता हूं। और ये मेरा खौफ, आपके शिवा कोई दूसरा भी पूरा कर सकता है। तो सही तो अच्छी तरह जानता है कि उस रियासत का सम्राट महाराज कुशल सिंह है और उसके अर्धांगी विजवा, और सुना है कि उसकी गोद में कोई बच्चा भी है। चैन का टुकड़ा लेकर उनके रहते तू महाराज कैसे बन सकता है? अरे पकड़ा गया है, पकड़ा गया है कहा मेरे यार, इसीलिए मातम सिंह आज अपने शहर के पास आया है। मैं चाहता हूं कि आज दुनिया रंग गुलाल से होली खेल रही है, लेकिन मेरा दोस्त जजीरा सिंह महाराज कुशल सिंह की रियाया से लेकर राज दरबार राजमहल तक खून की होली खेले और मैं खून की होली देखना चाहता हूं। तो थोड़े कहने का मतलब ये है कि तू आकाश सम्राट बनना चाहता है? हाँ, यही हमारी ख्वाहिश है। तो तुझे सिंघा सम्राट बिठाने के लिए हमें महाराज और उनकी अर्धांगनी भिजवा और उनके जिगर के टुकड़े चांद के मैं उन्हें दुनिया से मिला दूं और तुझे जमीन से उठाकर आसमान में बिठा दूं। चिंता ना कर, तेरी खुशियां तुझे मिलेंगी, लेकिन तू अच्छी तरह जानता है माता कि मैं जो भी काम करता हूं वो पैसों के लिए करता हूं। जो भी काम आप करते हैं रुपए के लिए, मेरे यार ये मातम सिंह जुबान देता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया और मैं उस रियासत का सम्राट बना तो रुपए पैसे नहीं मोह मांगी कीमत मिलेगी। मातम सिंह तुम्हारा मैंने तुझे जमान दिया और तुझसे वादा किया कि महाराज और महारानी और उसके बच्चे को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कल का उगता सूरज तो देखेंगे लेकिन डूबता सूरज देखना उन्हें नसीब नहीं होगा। यह मातम सिंह यही चाहता है कि महाराज कुशल सिंह उनकी अर्धांगनी बिजवा और उनका दुधमुहा बच्चा चांद का टुकड़ा इन तीनों का काम तमाम कर दो। अच्छा मेरे यार समझो ये काम हो गया और इस काम के लिए मैं आपको पूरे 50,000 रुपए दूंगा। कहो मेरे लाल, 50,000 की बात तो है ही, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिखाया तो कसम भगवान हम वादा करते हैं आपके साथ कि पूरे 10,000 रुपए मैं अपनी तरफ से आपका माना कि
कि माधव सिंह तो वहाँ का राजा बन जाएगा। जी सदाजी। इस खुशी में हमें आके 50,000 रुपया देगा। जी। लेकिन तू किस खुशी में हमें 10,000 देगा? यही तो अपार खुशी है सरदारजी, हमें भी, और इसी खुशी में तो हम आपको 10,000 रुपया अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये वहाँ के महाराज बनेंगे तो मैं वहाँ का सरदारजी मंत्री बनना चाहता हूँ। यानी वहाँ की सारी पदवी ही बदल दोगे? तो ठीक है, जाओ कफन का इंतजाम करो, लाश तो हम लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। अब मुझे इजाजत दो, मैं यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं। इजाजत है, वादा किया है, वादा करके मेरे यार मुकरना नहीं, कभी मुकरना सिखा ही नहीं मैंने। अच्छा, आज तक अपनी जिंदगी में जो भी ठाना है वो काम करके दिखाया है, विश्वास है। जाओ। नहर सिंह कहिए सरदार जी, अपने आदमियों को अलर्ट कर दो कि सारी तैयारियां कर ले। जय श्री अकाल आपके। आज ही हम सूर्य उदय होते ही जिला चांदपुर महाराज कुशल सिंह के राजमहल पर चढ़ाई करेंगे, और उस जौनपुर के जर्रे जर्रे पर मैं अपने यार का नाम लिखूंगा महाराज के खून से। चलो और हम अपनी तैयारी करते हैं। क्यों नहीं, जरा भगवान आवाज नहीं रे वरना बर्बाद कर दूंगा।